अज आखां वारे शाह नूं इतो कबरां विच्चों बोल, किताबे इश्क दा एक अगला वरखा खोल। ये वो कविता है जो अमृता प्रीतम ने लिखी है, जब 15 अगस्त को इंडिया को आज़ादी मिली और पाकिस्तान को मिली, पंजाब का बंटवारा हुआ जिसमें 10 से 20 लाख के करीब लोग मारे गए, लाखों मीलों तक चल गया। इस सारी घटना को एक कविता में जिसने सारी को डिस्क्राइब किया है वो अमृता प्रीतम है, एक 17-18 साल की लड़की जो पंजाब से, पाकिस्तानी पंजाब से इधर आती है और अपने दर्द को कितने अक्षरों में कैसे झलकाती है, इस कविता या इस पोएम से आप समझ सकते हो। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आज आखां वारे शान, उसका ट्रांसलेट भी करूँगा, कितो कबरां विच्चों बोल ते अज किताबे इश्क दा एक अगला वरखा खोल। वारिश शाह पंजाब का बहुत बड़ा सूफी गायक पोएट हुआ है, वारिश शाह जिसने हीर लिखी, शायद आपने हीर रांझा पढ़ा होगा। तो कहते कि जब वो आती है नदियों से गुजरती हुई, नहरों से पैदल चल चल के, तब उसको नहीं लिखती है, आज आखां वारे वारिश शाह को बुलाती है कि कहीं कब्रों से निकल गया, क्योंकि उसको अपना सिर समझती थी, दर्द अपने बड़े बुजुर्गों से बुला जाता है। आज आखां वारे शान बुलाते कि कहीं कब्रों से बोल, आज किताब इश्क दा भी, आज किताब इश्क के नाम का जो लोगों में इतना जहर भरा हुआ है, इतनी नफरत भरी, कोई किताब की इश्क का कोई नया पर का खोल, तूने पहले भी पंजाब में प्यार भरा है तो अब भी भर। एक रोई सी थी पंजाब दी, कहती है कि जब एक हीर, हीर का जिक्र कर रही है, जब एक पंजाब की बेटी थी, रोई थी, तूने बड़े बड़े ग्रंथ, हीर वड़कना जो अपने आप एक बड़ा लिटरेचर, लिख लिख मारे वैन, फिर तूने बहुत बड़े सागा ग्रंथ लिख दिए, आज तो लाखों ती हैं जो तेरी अपनी बेटियां वो रो रही हैं, उनकी इज्जतें लूटी गई हैं, उनको मारा जा रहा है, वो दुख दर्द हो चल, अच लखा तियाँ रोंदियाँ तेनू वारे शानू कह, तेरे को बुला रही हैं, अब तो जाग जा कब्रों से निकल गया, जा बाहर उठ, दर्द मंदा दे दर्द दिया, अभी वारिश को बोल कि उठ कि तू दर्दों को सुनने वाले, दर्द मंदा दे दर्द दिया, उठ तक अपना पंजाब, उठ के अपना पंजाब को देख, आज वेले लाशां बिछियां, भी आज तो बिना बात वेले लाशां बिछियां, ते लहू दी भरी चनाव, कि जो चनाव बिटवारा था ना पंजाब का, चनाव में लाशें लाशें आए, जो आप कभी और कविता पढ़ोगे सब में पता है, चनाव में जो मार मार के लोगों को चनाव में तय करे, भर भर के आ गए। ये ट्रेन टू पाकिस्तान में भी इसका बहुत बढ़िया जिक्र है, किसे ने पंजा दे पानिया बिच दित्ती जय रला, ते उन पंजा दरिया नू दित्ता पानी ला, इस जरखेज जमीन दे, भई ये पंजाब की जो धरती है इतनी उपजाऊ है, जरखेज जमीन, इस जरखेज जमीन दे लू लू पुटिया जहर, लू नू भई हर एक रोम रोम में जहर पड़ चुका है, गिट गिट चढ़िया लालियां, भाई एक एक गिट ना लाली, खून की लाली चढ़ चुकी है, ते फुट फुट चढ़िया कैर, भी दर्द एक एक फुट चढ़ चुका, कहने का तरीका बहुत बड़ी है। तो मैं सारा शायद नहीं पढ़ूंगा इस कविता में, धरती ते लहू वसया कबरां पईयां चोण, प्रीत दियां सहजा दियां अज अज विच मजियां रोण, अज सब दे दो बन गए, इसके दो ट्रांसलेशन है, अज सब दे दो बन गए हुसन इश्क दे चोर, कह रहे आज सारे इंसानों के दो बन चुके, ऐसे कैदा कैदों भी हो सकता है कि दो बन गए, भी आज तो सब इंसान दो हो चुके हैं, इंसान है वो हुसन और इश्क के चोर हो चुके हैं, वो चोर बन चुके हैं, हुसन इश्क दे चोर, अज कितों ले आइए लब के वारिशा एक हो, भाई आज मैं कहाँ से एक होगा, एक और वारिशा जो लोगों के अंदर थोड़ी अकल डाल लेगी क्या कर रहे, आज आखां वारे शान कि तो कबरां बिचों बोल, ते आज किताबे इश्क दा कोई अगला वरखा को, बहुत हिस्ट्री लिखी हुई है पंजाब के पार्टीशन, बहुत कुछ लिखा हुआ है, जब आप ये कविता सुन लोगे ना सारा दर्द जब इसको महसूस कर लोगे, उस लड़की का जो वो आई थी अमृता प्रीतम, बहुत तो आपको सारा दर्द इतने उसमें सही, अपने बुजुर्ग को बुला रही, आज आखां वारे शान तो कबरां बिचों बोल, कदा इश्क दा कोई अखरा होगा।
हमें आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर हिस्ट्री को नहीं भूलना चाहिए। अगर हिस्ट्री को भूल गए तो वो दोबारा रिपीट हो जाती है। इंसान हर बार यही करता है। हमने लाखों अपने देश को, पंजाब को खोया था, लाखों लोगों को जिनका कोई कसूर भी नहीं था। ये दोबारा ना हो, इसके लिए इस जहर को, सांप के जहर जो फैलता है, इसको रोकना, हिस्ट्री को रिपीट ना, लाखों का खून होता है इसके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। इन सबको पढ़ना बहुत जरूरी है। अमृता प्रीतम, आज आप हमारे शाम।